चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही सांसदों और विधायकों को अपने रिश्तेदारों को मर्यादा में रखने और दबंगई न करने के निर्देश दे रखे हों, मगर यूपी के बुलंदशहर में तो चांदपुर की भाजपा विधायक कमलेश सैनी के दामाद और उनके परिजनों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक के दामाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पड़ोसी पेट्रोल पंप संचालक को जमकर पीटा। भाजपा विधायक के दामाद की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चांदपुर की भाजपा विधायक के दामाद और उसके तीन भाइयों सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब कार्रवाई करने का दावा कर रही है। बिजनौर के चांदपुर की भाजपा विधायक कमलेश सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस तस्वीर में बैठा दिख रहा ये शख्स है चांदपुर विधायक का दामाद अशोक सैनी, जो बुलंदशहर के खुर्जा में रहता है, जो इस वायरल वीडियो में अपने भाइयों व साथियों के साथ पड़ोसी पंप संचालक सुलभ पांडे को खुलेआम धमकी देकर मारपीट कर रहा है। यही नहीं, मारपीट करने वालों के हाथों में डंडे व एक के हाथ में राइफल भी दिख रही है। दरअसल खुर्जा में रविवार को आईओसी के पंप संचालक के पेट्रोल पंप पर गैस भरवाने के लिए लगी वाहनों की लंबी लाइन को लेकर भाजपा विधायक कमलेश सैनी के दामाद और सुलभ पांडे में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विधायक के दामाद ने अपने भाइयों व साथियों के साथ मिलकर सुलभ पांडे की लाठी व राइफल की बटों से पिटाई कर दी। मेरा नाम शरद पांडे है, मेरा आरआर ऑटो के नाम से खुर्जा में सील पेट्रोल पंप है और कल जो है मेरे पड़ोसी हैं राजकुमार सैनी एंड अशोक सैनी, वह ना कुछ गाड़ियाँ सीएनजी की लाइन में लगी हुई थी, उनको मैं हटवाने के लिए वहाँ पे गया तो तुरंत है ना मेरे को देखते ही है ना अपने राइफल की और बंदूकों और डंडों के साथ है ना मेरे पास आए और मेरे से है ना बदतमीजी करने लगे और तुरंत है ना मेरे ऊपर डंडों से प्रहार किया पहले और फिर है ना राइफल की बटों से मुझे मारा और विधायक की धमकी देने लगे, जो इनकी अशोक सैनी जी की सास है, चांदपुर से विधायक हैं बिजनौर जिले के, और आपको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें चलाने नहीं देंगे। कौन सी पार्टी से विधायक हैं? बीजेपी की विधायक हैं वो, कमलेश सैनी उनका नाम है। इनकी धमकी देने लगे आप पंप यहाँ पे नहीं चला पाएंगे, मैंने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस ने मेरी कंप्लेन ली है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। शायद विधायक जी के दबाव में आके पुलिस ने ना उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है विधायक जी, क्योंकि उन्होंने लगातार उनके साथ घूमकर पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश करी है। पुलिस ने मेरी कंप्लेन लिखी है और है ना अच्छे तरीके से लिखी है लेकिन ना इनके दबाव में आके वो है ना शायद कार्रवाई करने में भी हिचक रहे हैं। कहना है कि भाई अगर विधायक हैं तो अच्छी बात है, वो जनप्रतिनिधि हैं लेकिन ना जो भी पब्लिक के लोग हैं उनको ध्यान में रख के काम करें, ऐसा थोड़ी है कि उनके रिश्तेदार यहाँ पे गुंडई करें बदमाशी करें, एक जो व्यापार कर रहा है व्यक्ति उसको है ना व्यापार ना करने दें, उसके साथ मारपीट करें, तो ऐसा तो गवर्नमेंट से नहीं चाहूंगा कि इस टाइप का कुछ हो। पीड़ित पंप संचालक की माने तो चांदपुर की भाजपा विधायक बुलंदशहर पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और कार्रवाई न करने को लेकर दबाव बनाए हुए है। पीड़ित ने यूपी के सीएम से न्याय और कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये दो दिन पूर्व की घटना है खुर्जा नगर में, जहाँ पर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष पेट्रोल पंप के संचालक हैं, अगल बगल पेट्रोल पंप है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के पश्चात दोनों पक्षों ने तहरीर दी थाने पर, मुकदमा पंजीकृत किया गया, मेडिकल कराया गया, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, इसमें जो पीड़ित हैं उनका आरोप है कि सर विधायक के दामाद हैं इसलिए पुलिस दबाव में है, और सर एक वीडियो भी वायरल हुई है उनके दामाद की, इसमें मारपीट करते देखने सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वीडियो जरूर वायरल हुआ है पेट्रोल पंप के पास में, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, हम लोग उसको लिए हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, किसी दबाव की कोई ऐसी बात नहीं है, वैधानिक कार्रवाई हम लोग नियमानुसार कर रहे हैं।
चांदपुर की भाजपा विधायक के दामाद कर दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विधायक के आरोपी दामाद और उसके तीन भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज तो कर ली है और नियमानुसार कार्रवाई का दावा कर रही है। पुलिस अधिकारी की माने तो बुलंदशहर पुलिस भाजपा विधायक के दबाव में नहीं है और वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।